सर 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 यही समझा दूं क्या बताओ तो साइकिल आपकी ले लेता हूँ कॉपी पेन रहेगा ही आपके पास में स्केल से नाप के पूरा कैसे मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं बस यही पे अपन कर लेते हैं ठीक है तो कॉपी निकालो आप बुक भी निकाल लो रखने की देखो मैकेनिकल एडवांटेज हम निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज और मैकेनिकल एडवांटेज इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं एमए लिखते हैं ठीक है तो क्या पढ़ाया था मैंने एमए क्या होता है आपका जो आपका लोड है जो आपका लोड है और जो आप प्रयास कर रहे हो एफर्ट लगा रहे हो यह आपका लोड है और यह आप प्रयास कर रहे हो ठीक है इसके रेशो को हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। अब एक बार साइकिल को समझो कि साइकिल में है क्या चीज़। साइकिल में आप देखेंगे इसमें एक आपका रहता है साइकिल में यहाँ है आपका पैडल ठीक है और यहाँ पे आप जो है बैठे हुए और आपके पैर क्या है इन दोनों पैडल पर है। अब ये पैडल से यहाँ पे ये आपका पैडल है यहाँ पे आप पैर रखे हो ठीक है और यहाँ से इसमें दाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और व्हील रहता है पीछे की ओर छोटा सा और गियर रहता है और इसको हम जो बोलते हैं इसको हम फ्री व्हील बोलते हैं और ये जो होता है अपना ये क्या होता है अपना क्रैंक व्हील बोलते हैं इसको अपन इसको हम बोलते हैं आगे वाले को क्रैंक व्हील ये फिक्स्ड है और ये बोलते हैं हम इसको फ्री व्हील बोलते हैं। ये बड़े वाले पहिया का है सर वो वाला है ना हाँ ये बड़े वाले पहिया का है ये इस प्रकार से बड़ा वाला पहिया आपका इधर से ऐसे है और यहाँ पे ये जो स्पोक होते हैं ना आपके ये चीज़ होती है ठीक है। अब हम ये समझेंगे इसमें चलो मैं एक बार आप प्रैक्टिकली एक बार बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ है। ये देखो जैसे आपकी साइकिल है तो ये साइकिल में ये जो है आपका ये तो आपकी चेन है साइकिल की ठीक है ये आपका है क्रैंक व्हील हो गया ये वाला जिसमें टीथ लगे हुए ये ठीक है ये है पैडल क्या है ये पैडल आपके पैर यहाँ पे रखते हैं आप लोग और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम क्या बोलेंगे ये हैंडल है तो इसकी लंबाई हम नापेंगे इसमें अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो ये चीज़ हो गई आपकी ठीक है। अब ये जो है पीछे मैं बात कर रहा था आपसे फिक्स्ड जो है व्हील तो ये जो व्हील है आपका पीछे ये फिक्स्ड व्हील है जिसमें आप देख रहे होंगे टीथ लगे हुए ठीक और ये जो है आपका पीछे वाला पहिया है ये। अब होता क्या है कि अपन पैडल मारते हैं इस प्रकार से अपन पैडल मार रहे हैं यहाँ पे तो ये वाला जो व्हील है ये मूव होता है क्योंकि चेन से बंधा है ये चीज़ इससे तो ये भी मूव होता है और ये इस बड़े वाले टायर से लगा हुआ है तो ये भी आपका मूव होता है और फ्रिक्शन की वजह से ये गाड़ी जो है आपकी कार आपकी जो साइकिल है वो आगे चलती है ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आया प्रैक्टिकली आपने देखा कि इसमें क्रैंक व्हील कौन सा है और आपका फिक्स्ड व्हील या फिर फ्री व्हील कौन सा है और आपका क्रैंक व्हील कौन सा है ये आपने समझ लिया ठीक है। अब जो मैं आपको यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे हम अगर निकालते हैं इसमें पहले हम प्रयास और लोड और पी प्रयास के रेशो को हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग बोलते हैं। अब ये देखें आप कि सबसे पहले मैं निकालता हूँ वर्क डन बाय जो आप जो कर रहे हैं वर्क डन तो वर्क डन बाय एफर्ट जो हम लोग लगा रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे कहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं हम यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं ठीक है ये हम यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं।
तो यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं और मैं एक बार इसका जो पूरा चक्कर ये हम एक पूरा पहिया मारता है तो उसका मैं वर्क डन निकालना चाह रहा हूँ। मैं एक रेवोल्यूशन आपका क्रैंक व्हील का मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये देखो आप, जैसे आप इसको पहिए को एक बार ऊपर उठाओ इसको, हाँ, तो जैसे मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ से मैं प्रयास लगा रहा हूँ इस पर, और ये मैं ऐसे करके मैंने पहिया पूरा यहाँ तक घुमा दिया, एक राउंड, हाँ ये एक राउंड मैंने घुमा दिया, ठीक है। अब इसमें ये है एल लेंथ का, ये एल लेंथ का है, तो मैंने प्रयास लगाया है ऐसे, पी इस फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया मैंने परपेंडिकुलर इस हमेशा इस पैडल के, और मैंने कितना मूव किया है दोस्तों, अगर ये लेंथ है एल और इसका जो सरकमफ्रेंस है, मतलब इसका एक बार फिर से ऊपर उठाइए, तो ये पूरा का पूरा हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इसकी परिधि के बराबर हो गया, यानी कि इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या जाना कि वर्क डन बाय एफर्ट हम निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए हम जो वर्क डन कर रहे हैं, हमारी जो फोर्स हम लगा रहे हैं पी, मैंने पी फोर्स लगाई, अब इसमें जो इसकी जो लेंथ ऑफ हैंडल है वो है एल, तो इस पूरा मैंने जो चक्कर लगाया वो कितना चक्कर लगा दिया मैंने, 2 पाई L लगा दिया, तो ये वर्क डन बाय जो एफर्ट है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो है मैं निकालने जा रहा हूँ मैं वर्क डन बाय लोड, अब वर्क डन बाय लोड हम लोग निकालेंगे। अब जिसमें लोड क्या है, ये जो साइकिल है ये एक लोड की तरह है, जो हमको आउटपुट क्या है, हम आगे चले साइकिल से, हम आगे चले, तो ये होगा इसका लोड है एक प्रकार से, ठीक है। अब मैं ये निकालना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए इसका पूरे का जो भार है, इस पूरे का जो लोड है वो है W, वर्क डन क्या होता है दोस्तों, फोर्स इंटू एस होता है, और मान लीजिए इसका भार जो है वो W है। अब मैं S निकालना चाहता हूँ कि जब मैं इसका एक चक्कर लगाता हूँ, तो ये कितना मूव करेगी उसको मैं S बोलूँगा, वो मैं निकालना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको एकदम ध्यान से समझना है, सुनना है, तो पूरा ध्यान से एक बार इसको समझें कि देखो दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ, ये L है, इसमें नंबर ऑफ टीथ मैंने निकालूंगा आपके इसके क्रैंक व्हील के, मैं निकाल रहा हूँ, तो जिसको मैं बोलूँगा NC बोलूँगा, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ क्रैंक व्हील मैं निकाल रहा हूँ, वो है NC आपका है, और एक है आपका पीछे वाला फ्री व्हील जिसको मैं NF से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला NF, ठीक है। अब ये समझें कि जब मैं एक चक्कर इसका लगाया मैंने, तो मैंने इसके कितने दांत यूज़ कर लिए, मैंने NC दांत मैंने इसके यूज़ करे, मतलब क्रैंक व्हील के मैंने NC दांत जो है कवर कर लिए, ठीक है। एक चक्कर में जब ये पूरा घूमता है तो ये भी आपकी चीज़ पूरी घूमती है, तो मैंने कितने कवर कर लिए, NC मैंने कवर कर लिए, ठीक है। अब उस NC में हम ये देखें कि इसके कितने चक्कर लगे, इस चीज के कितने चक्कर लगे वो हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक चक्कर में एक रेवोल्यूशन में आपकी जो ये जिसका रेडियस मान लीजिए R है, तो कितना इसका जो रेडियस है वो कितना है, R है, तो कितना चली वो चली इसमें, कोई नहीं। अब देखो एक चक्कर में जो हमारी गाड़ी है, हमारी जो साइकिल है ना, एक जब भी पहिया पूरा घूमता है, इसका रेडियस R है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा सरफेस पे, ये पॉइंट मान लीजिए A है, तो ये बस इसकी परिधि जितनी होगी उतना ही डिस्टेंस ही आगे गाड़ी ट्रेवल करेगी, तो कितनी ट्रेवल करेगी ये एक चक्कर में, ये 2 पाई R कवर करेगी, सही है। अब हम ये मालूम कर ले, अब समझे बात को, कि एक चक्कर में जो हमारी साइकिल कितनी मूव करी है, 2 पाई R मूव करी है, अब हम कैसे ये मालूम कर ले कि जब मैंने पैडल का एक रेवोल्यूशन किया तो इस पहिए के, इस पीछे वाले पहिए के कितने चक्कर लगे, अगर ये मालूम पड़ जाए तो मैं इससे गुना कर दूंगा और डिस्टेंस मुझको निकल जाएगी, S मालूम पड़ जाएगी, और फिर S को मैं यहाँ पे इसको फिट कर दूंगा और अपना मैकेनिकल एडवांटेज W/P मैं निकाल लूँगा। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं दूसरा पेज लेता हूँ मैं, अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे
ये बताओ मुझको कि नंबर ऑफ टीथ जो है वो आपके क्रैंक व्हील के ज़्यादा है या फिर आपके फिक्स व्हील के ज़्यादा है, ये क्रैंक व्हील के ज़्यादा है। क्रैंक व्हील के ज़्यादा है, दिख रहे हैं आप? हाँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके क्रैंक व्हील है उसके उसमें है आपके 50 टन है उसमें, मान लो, ठीक है, और पीछे का जो फ्री व्हील है उसमें है आपके 10 टन, ठीक है, इसके है 50 टन, 50 टीथ है इसमें और इसमें आपके 10 टीथ है आपके पीछे वाले के। अब जब ये बताओ कि जब हम एक चक्कर मारेंगे एनसी का, जब हम एनसी का एक चक्कर मारेंगे, जब हम एनसी से एक चक्कर मारेंगे तो हम एनएफ कितना घूमेगा वो आप देखो। अब ये बात समझो आप कि जब मैं एक पूरा चक्कर मारता हूँ तो मैं 50 टीथ कवर कर रहा हूँ एनसी के, ठीक है, समझ में आई बात आपको? हाँ सर। अब जब ये 50 टीथ कवर करा तो जब एक से लेके, जैसे मैंने 50 टीथ इसके कवर करे इसके घूमने में, जब एक से लेके 10 तक मैंने किया तब इसके 10 टीथ पीछे वाले के हो चुके थे, तो इसका एक रोटेशन 10 हो चुका, कंप्लीट हो चुका होगा। जब 10 से 20 गया तब इसका एक और रेवोल्यूशन हो गया होगा, ऐसे ही 20 से 30 एक और हो गया होगा, 30 से 40 एक और हो गया होगा और 40 से 50 एक और हो गया होगा, तो कितने हो गए इसके रेवोल्यूशन? 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब कि जब एक रेवोल्यूशन आपका क्रैंक व्हील का हो रहा है तो इसके आपके कितने हो रहे हैं? आपके 50/10 यानी कि 5 हो जा रहे हैं इसके रेवोल्यूशन। तो ये एक जनरल फार्मूला बन जाएगा इससे कि हमेशा अगर आगे वाला का एक पूरा गोला एक वन रेवोल्यूशन हो रहा है क्रैंक व्हील का और इसके ढाने अगर एनसी, तो जो पीछे वाला है एनएफ जिसके कम टीथ है, तो इसके कितने राउंड हो जाएंगे आपके दोस्तों? आपके हो जाएंगे एनसी डिवाइड बाय एनएफ। जैसे हमने यहाँ पे क्या डाला था, 50/10 यानी कि 5 चक्कर यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो एनसी बटा एनएफ जो है चक्कर होते हैं, ये समझ में आई बात? अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था दोस्तों, यहाँ से आ जाओ आप एक बार। एक चक्कर में, एक रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में जो आपका पीछे वाला टायर है, पीछे वाला जो पहिया है वो कितना घूमता है? 2πr। तो आपके एनसी बटा एनएफ रेवोल्यूशन में कितना घूम गया वो? 2πr डिवाइडेड बाई 2πr इंटू एनसी डिवाइडेड बाई एनएफ घूम गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही। अब हम जो यहाँ पे निकाल रहे थे वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस निकाल रहे थे, तो वर्क डन हमारा क्या हो गया? एफ इंटू एस। एफ इंटू एस क्या है आपका? भार W, और S क्या है हमारा यहाँ पे? S है हमारा 2πr इंटू NC डिवाइड बाई NF। ये हो गया हमारा वर्क डन हो गया। अगर हम ये माने कि ये पूरी फुल एफिशिएंट है, अगर ये साइकिल फुल एफिशिएंट माने, कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं माने, अगर एक वक्त के लिए एफिशिएंसी 100% मानते हैं अगर अपन, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन जो हमने किया है इनपुट और जो हमको जो आउटपुट मिल रहा है वर्क का, वो सेम है, ठीक है, बराबर ही है। तो जो इनपुट है हमारा वो क्या था? पी इंटू 2πl था, ठीक है, इनपुट हमारा पी इंटू 2πl था, और हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो आउटपुट है वो कितना निकल के आ रहा है? W इंटू 2πr इंटू NC डिवाइड बाई NF निकल के आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2π यहाँ से कैंसिल होता हुआ आपको दिख रहा है, ये सॉरी ये कैपिटल आ रहे हैं यहाँ पे, ये कैपिटल आ रहे हैं। तो P इंटू L इज इक्वल टू W इंटू R NC और NF। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है होता है अपना? W बटा P होता है। तो यहाँ पे आपका P इधर आ जाएगा, L यहाँ पर है ही, ठीक है, R और NC आपका नीचे आ गया और NF जो है वो ऊपर आ गया, इस प्रकार से ही आ गया ये। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या आ गया? W बटा P इज इक्वल टू L NF डिवाइड बाई R NC आ गया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है दोस्तों जो आपसे एग्ज़ाम में या फिर आपसे पूछी जा सकती है, वो होती है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी रेशियो ये होता है कि प्रयास के द्वारा जो चली गई है, एफर्ट के द्वारा जो चली गई दूरी, और भार ने जितनी दूरी ट्रेवल करी, भार ने जितनी दूरी ट्रेवल करी। तो यहाँ पे 2πl डिस्टेंस ट्रेवल करी थी अपने प्रयास ने, एफर्ट ने 2πl, और जो दूरी हमारी
इस बाहर ने करी थी, इस बाहर ने जो दूरी हमारी करी थी वो क्या थी हमारी, वो थी हमारी 2πr, 2πr और nc और nf थी। इसको हम लोग यहाँ पे अगर फाइंड आउट करेंगे इसको, तो ये 2π कट जाएगा, ये हो जाएगा एल एन एफ डिवाइड बाई आर एन सी हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया आपका, एल इंटू एन एफ, एल क्या है लेंथ ऑफ हैंडल, एन एफ क्या है नंबर ऑफ टीथ इन फ्री व्हील है, आर क्या है रेडियस ऑफ पीछे वाला व्हील रियर व्हील, और एन सी क्या है जो क्रैंक व्हील है आपका उसके नंबर ऑफ टीथ। ये है वेलोसिटी रेशियो, और मैकेनिकल एडवांटेज है वो है ये एल एन एफ डिवाइड बाई आर एन सी। अब दोस्तों हम लोग जो है इसको प्रैक्टिकल करेंगे, इसको एक एक चीज़ हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्क एडवांटेज जो है इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। तो प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताता हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या है, एल इंटू एन एफ डिवाइड बाई आर आपका एन सी है, ठीक है। तो हाँ, तो ये है। अब हमको मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, लेंथ ऑफ हैंडल आप यहाँ लिखेंगे, पहला पॉइंट नाप के आप यहाँ लिखेंगे, आप इसको मीटर में लिखना है आपको, ठीक है। फिर नंबर ऑफ टीथ आप गिनेंगे आपके फ्री व्हील के, फ्री व्हील मतलब पीछे वाला जो व्हील है गियर है उसका। फिर नंबर ऑफ टीथ आप गिनेंगे जो आपके जो क्रैंक व्हील है मतलब जो हैंडल के पास में है, और जो चौथा आपको रेडियस निकालेंगे, ठीक है। ये चार वैल्यूज आप निकालें और उसके बाद में इसको डिवाइड करें और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेंथ ऑफ हैंडल निकालेंगे, तो अब आप लेंथ ऑफ हैंडल निकालें। सबसे पहले अनिल आप निकालें लेंथ ऑफ हैंडल, ये लेंथ ऑफ हैंडल निकाला जा रहा है यहाँ पे, और लेंथ ऑफ हैंडल क्या है यहाँ से लेके और इस पॉइंट तक की दूरी को हम बोल रहे हैं लेंथ ऑफ हैंडल, ठीक है। 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है, तो इसको आप लिख दीजिए 0.17। यहाँ से देखो इस एंगल से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गई आपकी लेंथ ऑफ हैंडल, तो इसको 17 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.17 मीटर लिखिए इसको, 1.7 नहीं 0.17 मीटर, ठीक है। अब ये कौन काउंट करेगा, नंबर ऑफ टीथ आपके जो है, आओ नंचुलाल आओ और सोनू आओ, नंबर ऑफ टीथ ऑफ क्रैंक व्हील के निकाल लेने हैं हम पर को। तो यहाँ पे एक चीज देखो आप, हाँ चलिए मार्कर पे किसी पे निशान लगा लो, एक मार्कर पे एक का निशान लगा लिया हमने, ठीक है। और अब इसको घुमाएंगे, इसको एक कोई टायर इसको ऊपर उठा दे, ठीक है। अब गिनना शुरू करो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, and 45. ये पहले दिन दिया था, ये वैल्यू लिखो इनके आप 44, एन सी की वैल्यू हमने लिख दी 44। अब आइए पीछे वाले व्हील जो है आपका फ्री व्हील है उसका हम निकालते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18। तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई 18 आ गई, ठीक है। अब आपको एक काम और करना है, जो रेडियस ऑफ द व्हील है वो आपको निकालेंगे आप, ठीक है। रेडियस ऑफ द व्हील क्या होगा, ये आपका पॉइंट है सेंटर से लेके आप ये लास्ट तक जाएंगे, तो ये आप निकालें 12 और करीब 12 सेंटीमीटर में निकालें, 12 और 3 सेंटीमीटर, 12 और 3, 15 सेंटीमीटर, 15 नहीं, 15 नहीं, ज़्यादा होगा, 15 ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, 30 और 30 के बाद में कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 5, 5 5,
लगभग 33 सेंटीमीटर ले लीजिए इसको आप, ठीक है। तो 33 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे अपन, 0.33 मीटर लिखेंगे। चलो आ गया अपना पॉइंट 33 मीटर आपका आ गया। अब आप इसको मैकेनिकल एडवांटेज लिखें, ऊपर क्या लिखेंगे 0.17 इंटू 18 डिवाइडेड बाई आर, क्या है आपका 0.33 है, और आपका एनसी क्या है आपका 44 है। अब इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, सत्रह इंटू 18 क्या अपन ने कितना आ गया 306 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 44, हाँ 1452 आ गया आपका। जीरो पॉइंट टू वन जीरो देखो 2.0 इसका मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। तो भाई समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा ये सेशन? जी सर, बहुत अच्छा समझ में आया सर। मैंने बुक में थ्योरी में से अगर इसको समझाना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और अभी आपने हमें प्रैक्टिकल बताया ना सर, हमें बहुत अच्छा समझ में आया था। ये देखो वही बात होती है, कई बार क्या है चीज़ समझ में नहीं आती है। यस सर, प्रैक्टिकली अपन सी चल रहे हैं कि लेंथ ऑफ हैंडल क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो मेरा मानना यह है कि एक 3D चीज़ है, अपना एनवायरनमेंट सब चीज़ के बारे में जान रहे हैं अपन। जी सर, तो 3D को चीज़ को अगर हम सिर्फ 2D में समझेंगे, सिर्फ एक सिंपल बोर्ड में समझेंगे, तो इतना प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यस सर, तो अगर उसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल समझते हैं, जो 3D की चीज़ को 3D में समझेंगे, तो हमको चीज़ें जो है आसानी समझ में आएंगी। यस सर, क्योंकि वो हर चीज़ को हम लोग 3D नहीं कर सकते, बस जितना हम कर सकते हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल में हम करने की कोशिश करेंगे ही। साथ में मैं ये भी आपसे बोलूँगा स्टूडेंट लोगों से कि आप लोग भी क्या करो कि जैसे जो भी चीज़ पढ़ रहे हो आप जी, तो आप जैसे मैं अभी आपको मैंने पढ़ाए होंगे लीवर का पढ़ाया होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो आप चीज़ देखो आमने सामने जो चीज़ है, या कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो आमने सामने चीज़ में वो किस प्रकार से रिलेट कर रही है। जैसे चिमटा है मान लो, तो चिमटा कौन से ऑर्डर का लीवर है, तो आप जो YouTube कमेंट इसमें देख रहे होंगे वीडियो, तो वो आप बताएं। हम जो नींबू निचोड़ रहे हैं जिस मशीन से, तो वो कौन सा ऑर्डर का लीवर है, ठीक है। आप कोई चीज़ वजन किसी चीज़ का उठा रहे हो, मान लीजिए इस मोबाइल को आप उठा रहे हो, ये आपकी कोनी है और आप इसको उठा रहे हो, इस प्रकार से ये चीज़ आपकी फिक्स हो गई, और ये चीज़ आपका लोड है और आप इस चीज़ से उठा रहे हो, तो ये कौन सी टाइप का लीवर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि पढ़ाई आपको बेस्ट तभी समझ में आएगी जब आप उसको पढ़ ली थ्योरी आपने, फिर प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश कीजिए कि भाई हो क्या रहा है, और जितना आप उसको अपना दिमाग लगाओगे ना, तो उसको में ये रहेगा फ़ायदा कि एक बार पढ़ना रहेगा, फिर आप कभी भी नहीं भूल सकते, और चीज़ आप इतनी पक्की हो जाएगी दूसरे वाले को भी समझा सकते हो। तो अभी जैसे मैंने साइकिल का केस लिया, तो आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अच्छे समझ में है ना। हाँ। तो वो ही है कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी भी समझे और प्रैक्टिकली वो क्या चीज़ है, उसकी वैल्यू क्या है समझे, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, और प्रैक्टिकली आपका जो इंसाइट है, आपके जो सोचने का ढंग है, वो भी काफ़ी इंप्रूव होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलता हूँ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।